आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अभी भी रहस्य बना हुआ है, जननांग के मस्से, जेनिटल वार्ट्स। पर वीडियो देखने से पहले प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जननांग यानी ग्रोइन एरिया के मस्से यानी वार्ट्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कुछ प्रकार के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या HPV के कारण होते हैं। ये आमतौर पर गुलाबी रंग के होते हैं और त्वचा की सतह से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। इस आम स्थिति के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। जननांग मस्से जेनिटल वार्ट्स आमतौर पर बहुत कम लक्षण पैदा करते हैं, लेकिन कभी कभी दर्दनाक हो सकते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आमतौर पर ये एक्सपोजर के 1 से 8 महीने बाद दिखाई देते हैं। मस्से वार्ट्स जननांग HPV संक्रमण का सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला लक्षण है जो प्रभावी निदान और ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस और समझ को महत्वपूर्ण बनाता है। आइए अब जननांग मस्से जेनिटल वार्ट्स के कारणों और संचरण पर चर्चा करते हैं। HPV टाइप्स 6 और 11 आमतौर पर इन संक्रमणों के पीछे मुख्य दोषी होते हैं। ये सीधे त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलते हैं, आमतौर पर संक्रमित साथी के साथ ओरल, जेनिटल या एनल सेक्स के दौरान यह फैलता है। निदान आमतौर पर लक्षणों पर आधारित होता है और बायोप्सी द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो HPV टाइप्स कैंसर का कारण बनते हैं वे मस्से पैदा करने वाले HPV टाइप्स से अलग होते हैं। ये बात स्पेसिफिक मेडिकल समझ और इलाज के तरीकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। कुछ HPV टीके वैक्सीन जननांग मस्से जेनिटल वार्ट्स को रोक सकते हैं, जैसा कि कंडोम भी इसे रोक सकता है। और तो और, हम अगर जनन अंग के आजू बाजू वाले बाल ना निकालें तो इसके सेक्स के दौरान स्किन टू स्किन फैलने के चांस कम हो जाते हैं। उपचार के विकल्पों में पोडोफिलिन, इमिकिमोड और ट्रिक्लोरोएसिटिक एसिड जैसी क्रीम शामिल है। क्रायोथेरेपी या सर्जरी भी एक विकल्प हो सकती है। उपचार के बाद मस्से अक्सर 6 महीने के भीतर ठीक हो जाते हैं। इलाज के बिना 1/3 मामलों में वे अपने आप ठीक हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1% लोगों को जननांग मस्से जेनिटल वार्ट्स हैं। हालांकि बहुत से लोग संक्रमित होते हैं और उनमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। टीकाकरण के बिना लगभग सभी सेक्सुअली एक्टिव लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय किसी न किसी प्रकार के HPV से संक्रमित होंगे। यह बीमारी आज नई नहीं आई है। यह पहले से कम 300 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेटिस के समय से जानी जाती है और आज भी आम लोगों में जानकारी न होने से फैलती रहती है। आइए वीडियो को शेयर कर अपने मित्र और परिवार को इसके प्रति जागृत करें। धन्यवाद।